मार्वल में सेंटी की न्यू कास्टिंग से लेकर डेडपूल 3 के टीजर की रिलीज डेट तक आज की इस न्यूज़ की अपडेट वाली वीडियो में बहुत सारे अपडेट हैं, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर पूरी तरीके से अपडेटेड रहना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहली अपडेट निकल के सामने आ रही है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी से, जिस मूवी को उसके रिलीज डेट के पहले ही रिलीज किया जाने वाला है। जो मूवी पहले रिलीज होने वाली थी 12 अप्रैल को, लेकिन अब रिलीज होने वाली है 29 मार्च को, जिसका रीजन बताया जा रहा है कि इस डेट पर घोस्ट बस्ट और फ्रोजन एम्पायर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस मूवी को किसी रीजन के कारण इस रिलीज डेट से रिमूव कर दिया गया है, और इसलिए वार्नर ब्रॉस ने इस डेट को गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के लिए कन्फर्म कर दिया है, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि मजे तो हमारे ही होंगे। रहा नहीं जाता। इसका मतलब है कि मूवी अगर पहले आ रही तो इसका ट्रेलर भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसके ट्रेलर के रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो सुपर बॉल का इवेंट होने वाला है, इसका ट्रेलर हमें उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगली न्यूज निकल के सामने आ रही है जेम्स गन की न्यू डीसीयू से रिलेटेड। तो जैसा कि पूरे दुनिया जमाने को पता है कि पुराना डीसीयू अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है, और जेम्स गन न्यू डीसीयू को सुपरमैन लेगेसी मूवी से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये मूवी डीसीयू की फर्स्ट मूवी होने वाली है, और जेम्स गन इस मूवी में सब कुछ लगा देना चाहते हैं, और इसीलिए हमें इस मूवी से लाखों करोड़ों कास्टिंग अनाउंसमेंट सुनने को मिले थे, जिनके रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी में इनका बस कैमियो नहीं होने वाला है, बल्कि इनका रोल थोड़ा एक्सटेंडेड होने वाला है, मतलब कि इन्हें मूवी में अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। अगली न्यूज निकल के सामने आ रही है मार्वल से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में पैट्रिक स्टूअर्ट के प्रोफेसर एक्स हमें रिटर्न करते हुए दिखे थे, तो अब उस पर उन्होंने बताया कि उनका जो रिटर्न था वो उनके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जितने भी प्रोफेसर एक्स के सीन थे उसे उन्हें अकेले ही शूट करने पड़े थे। अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली ही न्यूज़ अप की अपडेट वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि इस सीरीज में हमें एक न्यू विलन दिखने वाला है म्यूज, जो कि इस सीरीज का एक साइड विलन होने वाला है। तो इसके रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि इस रोल के लिए हंटर डुहान को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन इस सीरीज से एक कंफर्मेशन भी आ चुका है कि इसमें कैरन और फॉगी हमें दोबारा देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमें नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में देखने को मिलते थे। अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है न्यू डीसी के सुपर गर्ल वुमन वॉर टुमारो मूवी से, जिसके रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी के सुपर गर्ल के लिए अभी 3 एक्ट्रेस को कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहली एक्ट्रेस है मैग डनली, और नेक्स्ट है एमिली जोन्स, और उसके बाद है मिली एलकॉक। तो अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है गॉड ऑफ वॉर की आने वाली सीरीज से रिलेटेड। तो जैसा कि अमेज़न ने अनाउंस किया था कि वो गॉड ऑफ वॉर के गेम पर एक सीरीज लाने वाले हैं, तो अब इसी के रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि इस पर काम स्टार्ट हो चुका है, और कुछ टाइम के बाद इसके कास्टिंग भी हमें सुनने को मिल जाएंगे, जिस सीरीज के लिए तो मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर मेरे पर्सनल फेवरेट गेम में से एक है। और अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है अवतार 4 मूवी से रिलेटेड। तो जैसा कि अवतार 4 मूवी की शूटिंग भी अवतार 3 मूवी के साथ ही चल रही थी, लेकिन किसी रीजन के कारण इसकी शूटिंग को स्टॉप किया गया था, इसी के रिलेटेड अपडेट निकल के सामने आया है कि इसकी शूटिंग अब दोबारा से नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि अभी तो अवतार 3 मूवी भी रिलीज नहीं हुई है और ये अवतार 4 मूवी की भी शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है सोनी मूवी के रिलेटेड। तो हाल ही में सोनी ने 2024 में उसकी आने वाली मूवीज को अनाउंस किया, जिसमे है बैड बॉय, घोस्टबस्टर फ्रोजन एम्पायर, कराटे किड, ग्रेविन द हंटर, मैडम वेब और वेनम 3 मूवी भी, और इनकी मैडम वेब मूवी तो नेक्स्ट मंथ ही आने वाली है। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है मार्वल के सेंट्री के रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली ही न्यूज़ अप की अपडेट वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि स्टीवन यून अब सेंट्री के रोल को छोड़ चुके हैं, तो इसी के रिलेटेड अब ऐसा बोला जा रहा है कि सेंट्री के रोल के लिए ऑस्टिन अब्राहम्स को कास्ट किया जा सकता है, लेकिन ये कास्टिंग अभी के लिए बस एक रूमर्स है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है फैंटास्टिक 4 के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो फैंटास्टिक 4 की मूवी की शूटिंग अभी तक स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन पेड्रो पास्कल के बिजी शेड्यूल के कारण इसकी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है, और अब इस मूवी की शूटिंग को अब डिले कर दिया गया है, जो कि इस बात को भी कंफर्म करता है कि पेड्रो पास्कल ही एमसीयू के रीड रिचर्ड होने वाले हैं। और अब इसके रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी शूटिंग जून जुलाई से स्टार्ट हो सकती है, जिसका मतलब कि फैंटास्टिक 4 मूवी अपनी रिलीज डेट 2 मई 2025 तक तो कम्प्लीट नहीं होने वाली, मतलब कि फैंटास्टिक 4 मूवी को एक बार फिर से डिले किया जाएगा, और इसके साथ ही हो सकता है कि मार्वल की और आने वाली मूवीज को भी पोस्टपोन किया जा सके। अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है डेडपूल 3 मूवी से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि डेडपूल 3 मूवी में X-23 भी दिखने वाली है, तो अब इसके रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि डेडपूल 3 मूवी में X-23 अपने कॉमिक बुक सूट में दिखने वाली है, जैसा कि वुल्वरीन
अपने कॉमिक बुक सूट में इस मूवी में दिखेगा। और इसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के सामने आए हैं कि डेडपूल 3 का टीजर हमें सुपर बॉल के इवेंट में दिखने वाला है, जो कि यूएस में होने वाला है 11 फरवरी को और इंडिया में हमें देखने को मिलेगा 12 फरवरी को। तो फिर तैयार रहना है क्योंकि कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। लेकिन चलो, आज की ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।